लिहाजा भाइयों आज जुमा है, रमजान का शायद आखिरी जुमा हो, तो इसमें खुसूसी तौर पर भाई मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि हर मुसलमान छोटा बड़ा, आलिम जाहिल, पढ़ा लिखा अनपढ़ जो भी है, वो अल्लाह ताला के हुजूर एक मर्तबा गिड़गिड़ा कर मांग ले, अपनी तौबा मांग ले, या अल्लाह तौबा करता हूं, और अहद कर ले कि अल्लाह ताला के भरोसे पर अहद कर ले कि अब गुनाह नहीं होगा, नमाजें नहीं छूटेंगी, रोजे नहीं छूटेंगे, ज़कात ठीक ठीक अदा की जाएगी, और लोगों का, लोगों के साथ अमानत और दयानत का मामला किया जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, और हराम तरीके से माल नहीं हासिल करेंगे, धोखा नहीं देंगे, मिलावट नहीं करेंगे, और लोगों से महकमों में बैठकर रिश्वत की खातिर उनको चक्कर नहीं कटवाएंगे। सबसे बड़ी बड़ा वबाल जो हमारी कौम पर मुसल्लत है वो ये है कि रिश्वत चाट गई है पूरे माशरे को। खुदा के लिए अल्लाह पर अल्लाह से डरो, खुदा के अल्लाह ताला का खौफ रखो, हमेशा जिंदा इस दुनिया में नहीं रहना, एक दिन दुनिया से जाना भी है, कब्र में सोना भी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिरी भी देनी है। खुदा के लिए उस वक्त का ख्याल करो और ये हरामखोरी छोड़ो, रिश्वत सतानी छोड़ो, धोखाधड़ी छोड़ो, मिलावट छोड़ो, लोगों के हुकूक पर डाका डालना छोड़ो, वरना अल्लाह ताला का अजाब किसी वक्त भी दस्तक दे सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है। कुरान कहता है क्या लोग बेखबर बेमहफूज होकर बैठ गए, बेखौफ होकर बैठ गए कि हमारा अजाब उनके ऊपर सोते हुए आ सकता है, तो उनके जागते हुए आ सकता है, जब वो खेल रहे हो उस पर आ सकता है। अल्लाह ताला ने दिखा दिया आंखों से, अब भी अगर होश ना आए, अब भी अगर अगर होश के नाखून न ले, तो आखिर कब, जब आके अजाब पकड़ ही ले। कुरान कहता है उस अजाब के आने से पहले पहले हमसे रुजू कर लो, हमारे पास आ जाओ, तौबा कर लो, इस्तगफार कर लो। अब ये रातें भाई चंद बाकी हैं, रमजान के चंद दिन, एक हफ्ता अल्लाह के फल से अभी तक बाकी है, उसमें रातें आ रही हैं, अशर अखीरा की रातें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मुनादी आवाज लगाता है, भाई सब अपने अपने गुनाहों से माफी मांगो, तौबा करो, अहद करो गुनाहों को छोड़ने का, और साथ ही पूरी उम्मत के लिए दुआ करो कि अल्लाह हमारी इस उम्मत को इस अजाब से, कहर से, अपने फजल व करम से बचा ले, निकाल दे, और हमारे हालात को दुरुस्त फरमा दे, हमारे मुल्क के अंदर भी अमन और चैन और आफियत और इत्मीनान अता फरमा दे, इसको सही माने में पाकिस्तान बना दे, सही माने में मुसलमान मुल्क बना दे, इस्लामी जमहूरिया सही माने में बनने की तौफीक अता फरमा दे। इस बात की दुआएं करो, अल्लाह ताला से रो गिड़गिड़ाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से कुछ बईद नहीं है कि ये जो रमजान के आखिरी अय्याम है ये हमारे लिए मगफरत का जरिया बन जाए, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाए, हमारी मगफरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा फिर लना वरहमना।